नमस्कार, मैं हूं देवांशु। शहरों में अपार्टमेंट कल्चर का दौर जो है वो बढ़ा है। अपार्टमेंट में लोग जो हैं वो गार्डनिंग कैसे करें, लोगों को शौक़ होता है, मन होती है, इच्छा होती है कि भले ही हम अपार्टमेंट में रहते हैं लेकिन पेड़ पौधे तो लगाएं, लेकिन उनके पास एक छोटा सा बालकोनी होता है और उस बालकोनी में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे 10 लगा से जा सकते हैं या 20 लगाए जा सकते हैं, नहीं, इससे भी ज़्यादा लगाए जा सकते हैं। और ज़्यादा खर्च में नहीं, बहुत ही न्यूनतम खर्च में बालकोनी को टेरेस गार्डन में कैसे तब्दील किया जाता है, आज ये हुनर हम सीखेंगे योगेश कुमार जी से। दरअसल इन्होंने जुगाड़ से या कहें कि कबाड़ से जो प्लांटेशन किया है ना, वो अद्भुत है। देखिए, टायर है, आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा टायर से इसे किस तरीके से ये कबाड़ में बेचने लायक हो चुका था, देने लायक हो चुका था, लेकिन इन्होंने इसे प्लांटेशन में यूज़ कर लिया। ये पाइप्स हैं नीचे प्लास्टिक के, इसका भी इस्तेमाल इन्होंने बखूबी किया है। और ये बोतल जो कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल होते हैं, इसके अलावा इनके बालकोनी में बहुत ही अलहदा है। हम योगेश जी से स्वागत करेंगे, आप इधर आए योगेश जी। लोग जो हैं ये सोचते हैं हम अपार्टमेंट में रहते हैं, कैसे करें ये शौक्स को पूरा, अपने घर का ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाएं। आपके यहाँ तो बोनसाई भी मुझे दिख रहे हैं। नहीं, शौक है, अगर आपके पास शौक है तो फिर स्पेस और जितना भी प्रॉब्लम हो सब सेकेंडरी हो जाता है। तो प्लांटेशन का शौक मेरा इसलिए था कि मेरा पूरा बचपन गांव में गुजरा और हमारी एक इच्छा थी कि जब हम कभी उस लायक हो जाएं तो हम अपना एक घर होगा जिसमें हम गाय रखेंगे, बागवानी होगा, लेकिन सब कुछ अपना चाहा तो हो नहीं सकता था। तो घर तो हो गया लेकिन मेरा जो बालकनी था इतना छोटा था कि इसमें कुछ हो नहीं पा रहा था। तो लगा कि नहीं, करना है तो करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको एक्सटेंशन किए हैं। जनरली क्या होता है, लोग यहाँ पे राउंड सा ये बना देते हैं, लोहे के पट्टी का वेल्डिंग करा देते हैं। उसमें परेशानी ये होती है कि जब आप पानी डालेंगे तो वो पानी नीचे जाता है, तो नीचे वाले को परेशानी होगी। हम इसमें क्या किए, थोड़ा सा एक्सटेंशन करके आप देखेंगे सारे एक प्लेटफॉर्म पे है और जो भी एक्स्ट्रा वाटर है तो वो अंडरग्राउंड ड्रेन होके चला जाता है नीचे, कि नीचे जो लोग हैं उनको ये परेशानी नहीं हो। आप सारे बालकोनी में देखेंगे जहाँ गार्डनिंग लोग कर रहे हैं वो लोहे के पट्टी से राउंड राउंड बना देते हैं। तो ये एक थोड़ा सा बढ़ा दिए और उसमें फिर हम सारा प्लांट डाल दिए। उसके अलावा फिर मेरे पास क्या था कि हमको लगा कि बस हरा भरा तो सबको अच्छा लगता है, उसमें भी था कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी हम यूज़ करें। और उसके हिसाब से भी हम इसमें काफ़ी, आप देखें ये बम्बू का है, ये जो पानी का पाइप होता है उसका बना हुआ है, पेप्सी का कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल है इस तरह। ये देखिए, ये एक बड़ा यूनिक टाइप का है, आजकल बहुत पॉपुलर होते जा रहा है वर्टिकल गार्डन। ये इसमें कुछ साल महीने पहले काफ़ी ज़्यादा टमाटर हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं था कि उससे हमारे काम चल जाए घर का रिक्वायरमेंट, लेकिन हाँ अभी बैगन लगा हुआ है। आप कुछ दिन पहले चेरी भी था यहाँ पे, नींबू है, मिर्ची, देखिए हरी मिर्ची यहाँ पे है। तो कोशिश किए कि हर तरह का चीज़, छोटा छोटा चीज़ ऊपर, थोड़ा बड़ा पौधा है अनार वगैरह, ये सब जो है उसको हम लोग छत पे डाल दिए हैं। मिर्ची का पौधा भी दिख रहा है। हाँ, दो तरह का मिर्ची है। तो कोशिश है कि सारे चीज़ों को करें। ये बिटल पान का पत्ता। हाँ, पान का है, पत्ता बिहारी भाषा में इसे कहते हैं। अब ये जैसे हम लोग का छठ में जो कोसी भराता है वो था, अनयूज पड़ा हुआ था, उसमें डाल दिए। तो इस तरीके से करके थोड़ा थोड़ा कोशिश की गई है। एक और यूनिक चीज़ बताएं, ये बहुत हेल्पफुल है। हम लोग के साथ एक परेशानी ये होती है, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपार्टमेंट इसलिए प्रेफर करते हैं कि उनको कहीं जाना हो तो सेफ्टी का इशू नहीं हो। लेकिन उसमें एक और इशू ये आता है कि प्लांटेशन लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं कि अगर हम 10 दिन के लिए भी कहीं बाहर चले गए तो सारा प्लांट मेरा सूख जाता है ना। और अगर आप फिर दूसरे को चाबी दीजिए तो एक रिस्क होता है, लोग हर लोग के लिए संभव है नहीं। देखिए यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि निनुआ लगा हुआ है, कुछ करेला का भी लत्ती है, कुछ करेला आया भी था, देखिए वो करेला है, निनुआ है, ये सब अपना होते रहता है। तो इसका एक बड़ा यूनिक चीज़ है, आप बहुत ध्यान से जब देखेंगे तो यहाँ पे एक कंट्रोलर है, तो उस कंट्रोलर के थ्रू पानी आता है पूरे गमले में। और ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है कि कम पानी भी कम बर्बाद हो। यहाँ पे एक और हमारा है सिस्टम कि एसी और आरओ का जो वेस्ट पानी है
उसको भी हम इसमें कलेक्ट करके उसको फिर रीयूज़ कर रहे हैं। और ये जो ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम है, इसका एडवांटेज ये है कि आप महीनों घर से बाहर हैं तो पानी के बिना आपका पौधा नहीं डेड होगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अगर बहुत सारे लोग इस शौक़ को इसलिए भी नहीं कर पाते कि अगर कहीं बाहर गए तो उनको परेशानी हो जाती है। और अगर घर पे भी रहते हैं तो एक होता है माइंड में कि आओ डेली पानी देने है, गर्मी का मौसम। आपने कैसा सिस्टम सेटअप कर लिया? वो पानी खुद ब खुद जा रहा है? तो खुद जितना मतलब मौसम के हिसाब से, जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि गर्मी में दो बार पानी देनी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको भूल जाइए, वो जब पौधे का रिक्वायरमेंट होगा उसी समय पानी मिलेगा। एक्सेस पानी भी नहीं है और वो बर्बाद भी नहीं होगा। तो ये सिस्टम भी है ना, इसी में आप देखेंगे यहाँ पे बर्ड हाउस बना हुआ है। हाँ। चूँकि अब बड़ा ये गौरैया आती है उधर भी है और हमेशा रेगुलर इसमें गौरैया आते रहती है। हाँ। उसके फीड खाने के लिए हम लोग अलग व्यवस्था की, उन लोगों को भी इसलिए पसंद है कि थोड़ा सा ग्रीनरीज है। हाँ। तो लोगों को ये बोनसाई भी कभी शौक है आपको? हाँ, बोनसाई भी है, वो तो बताया तो जगह छोटा है, इसी में ये सब कोशिश होते रहती है। छोटा है लेकिन बहुत प्यारा है और बहुत सिस्टमेटिक ढंग में है। योगेश जी देख सकते हैं ये बनियान, मुझे लग रहा है कि ये 10 साल पुराना लगभग। हाँ 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 है, 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 है। और ये किस चीज़ का बोनसाई है? ये साइकस ग्रुप का है और ये भी काफ़ी पुराना है और इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत हम चेंज करते रहते हैं। आप देखेंगे इसके लीफ का साइज भी काफ़ी छोटा हो चुका है। जनरली इसको आप जब नेचुरली में देखेंगे तो इसका काफ़ी लीफ बड़ा होता है, लेकिन बोनसाई का मतलब ही है कि वो छोटे फॉर्मेट में आ जाए। कितना सुकून मिलता है इन पौधों से? अच्छा लगता है। हम लोग काफ़ी समय सुबह का कॉफ़ी हो चाय हो, हम लोग शाम में अगल बगल में चिड़िया की चर्चा ये है। तो अब जितना आदमी नेचर के लिए कर सकता है इससे तो वो कोशिश है हमारी। हर आदमी इतना करे तो बहुत अच्छा। और मैं तो यहाँ पर ही हूँ योगेश जी, लग रहा है ऑक्सीजन लेवल ठीक लग रहा है। नहीं, हवा आ रही है, 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 है। ये तो है, इसका कोशिश है ना। अब क्या पटना के लोग जो अपार्टमेंट पर रहते हैं उनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, केवल पटना के लोग और अपार्टमेंट में नहीं, हमारा तो अक्सर ये कहना है, चाहे किसी भी फील्ड में आप बात करें, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो जो छोटी छोटी परेशानियां हैं कि स्पेस कम है तो फिर गंदा हो जाएगा, तो बहुत तरह की मच्छर बढ़ जाएगा, ये सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है। आप करना चाहे कर सकते हैं, बहुत सारा साधन है, बहुत सारी सुविधा है जिसके वजह से आप अपने स्पेस मैनेजमेंट को, अब तो आप देखेंगे कि लोग केवल गार्डनिंग नहीं, घर का भी स्पेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। वो इसलिए हो गया है कि घर का भी तो साइज छोटा होते जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, लोग करना चाहें और करना चाहिए, नेचर इतना कुछ देती है। आप देखे होंगे ना इस बार कि ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी हुई, लेकिन खरीद के ऑक्सीजन हम ले लेंगे, लेकिन नेचुरल ऑक्सीजन के लिए हम लोग कोशिश नहीं करते। हर आदमी अगर थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करे तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा। दूसरी चीज़ की क्या है ना कि अगर बच्चों को आप बचपन से इन चीज़ों को दिखा रहे हैं, उनको कोई बीज दे रहे हैं कि हाँ डालो देखो इसे पौधा निकलेगा, फिर ये पेड़ बनता है, तो उनका भी नेचर के प्रति झुकाव होगा। बचपन से वो बच्चा जो देखेगा तो वो झुकाव होगा। और दूसरी चीज़ है कि वो कम से कम जो नेचर का जो देन है उसको डैमेज तो कम से कम नहीं करेगा। वो लगाए चाहे नहीं लगा, लेकिन उसको डैमेज नहीं करेगा। तो ये ज़रूरी है कि आप खुद भी करें, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें। बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, अगर उसको स्कूल में बता दिया जाता है कि भाई पटाखा नहीं छोड़ना है, तो आप उसको जब नहीं उनके दिमाग में बैठ जाता है। तो बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ी कोशिश करें और बच्चों को भी सिखाएं, बच्चों को भी के बारे में, इनके फायदे के बारे में। हाँ, हम सारे फैमिली का इसमें कंट्रीब्यूशन है, बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, तो सब लोग मिलके हम लोग करते हैं। और क्या है कि छत का टाइम पास भी है और छत पर भी थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पौधा हो जाता है, तो छत में एक जगह है उसमें भी हम लोग उसको रखे हैं और सीजन के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। जैसे अभी ऑफ सीजन में जो है उसको छत पर रख देते हैं और फिर वो चेंज करते रहते हैं, गर्मी का है तो वो चेंज होते रहता है। तो ये कोशिश है। चलिए, ये योगेश जी थे, पटना के पटेल नगर में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं और
आपके पास छोटी सी जगह है, लेकिन इस छोटी सी जगह का फायदा इन्होंने किस रूप में उठाया है हमने आपको इस वीडियो में दिखाया। और दरअसल इन्होंने एक ड्रिप इरिगेशन आपने बताया, ड्रिप इरिगेशन यानी कि ये जब घर से बाहर जाते हैं या 4-5 दिन ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, पौधों में पानी देना नहीं पड़ता, एक सिस्टम इन्होंने बना रखा है। उस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से, अगर आप अपार्टमेंट पे रहते हैं, अगर नहीं भी रहते, घर पे भी रहते हैं, अगर आप किसी काम के सिलसिले से बाहर जा रहे हैं, आपके पौधे ना मरे, ना मुरझाएं, ना सूखें, इसके लिए क्या उपाय है, योगेश जी से अगले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।